समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंदला विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री पुष्पेंद्र अहिरवार के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस से बातचीत हुई थी, लग रहा था गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कांग्रेस ने पहले ही धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देती तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ पाती। कांग्रेस के धोखे की वजह से पार्टी ने कई प्रत्याशी उतारे। मध्य प्रदेश में पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। अगर सिद्धांतों और कार्यक्रमों को देखा जाए तो दोनों दल एक से रहे हैं, दोनों के सिद्धांत एक रहे हैं। जो लोग कांग्रेस में थे अब वे भाजपा में पहुंच गए हैं और जो भाजपा में थे वे कांग्रेस में पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं बदला है। क्षेत्र की पार्टी प्रत्याशी श्रीमती अमिता बागरी के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र पर भरोसा करती है। भाजपा लोकतंत्र की लूट कर रही है। उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, भाजपा संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रही है। मध्य प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में कह रहे थे कि 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अगर इतने लोग गरीब रेखा से बाहर हो गए हैं, तो यह राशन किसको दे रहे हैं?